नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने सरदारपुरा स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता में वर्तमान सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सीएम वसुंधरा राजे झूठ का शासन चला रही हैं। इस बार कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि झूठ से है। उन्होंने कहा कि मोदी और राजे का जाना तो तय है। भाजपा का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य ये रहा कि उन्होंने गरीबों से जुड़े कार्यों और योजनाओं को नजरअंदाज किया। मनरेगा के कार्यों को रोक देने से ग्रामीणों में होने वाला विकास रुक गया। इस कारण बड़े पैमाने पर राजस्थान से गरीब मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी पार्टी के मदारी हैं और उनके मंत्री जमूरे हैं। वो जैसा बोलते हैं ये समर्थक वैसे ही राग अलापते हैं। आइए सुनते हैं सहाय ने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा। जोधपुर ये शहर है, इलाका है, ये सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार का शिकार है। बड़ी बात को छोड़ दीजिए, रिफाइनरी की बात और ये सारी बात जिसकी शुरुआत अशोक गहलोत जी ने की थी वो तो बात छोड़ ही दीजिए, उस पर तो कोई कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पानी, बिजली, रोड, नली, गली तक यहाँ उपेक्षा का शिकार रहा है। मैं समझता हूँ सरकारें इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और उस पर लंबी चौड़ी सिर्फ घोषणाएं, लंबी चौड़ी सिर्फ पोस्टर, होर्डिंग, ये एक नया राजनीति का दौर जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, उसके ये तमाम जितने भी भाजपा राज पर, मैं समझता हूं वो सब अगर वो मदारी है तो इनको जमुने की हैसियत से सब वही राग अलापते हैं, 10 कदम आगे बढ़ते हैं। देश की राजनीति में एक लंबा सफर हम जैसे लोगों का भी हुआ है, 4 दशक में संसदीय राजनीति में हूं, बड़े प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन देश ने कभी ना ऐसा प्रधानमंत्री देखा और भविष्य में देखेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये एक मार्केटिंग मोड, एडवर्टाइजमेंट मोड और झूठ इस देश में, मैं समझता हूं कि इतना जिसको कहा जाए गला घोटू स्थिति कभी नहीं आई है जितना मीडिया सफर कर रहा है। देश के सैकड़ों मीडिया जो पर्सन हैं आज सिर्फ इस सरकार के द्वारा अपनी बात रखने में, यहां तक कि आप शायद अपने पेपर में नहीं लिख रहे, अगर आप ट्वीट कर रहे हैं अपनी फीलिंग, उसकी आधार पे 5-5 लाख रुपए की जो वेतन पाने वाले मीडिया कर्मी थे उनको नौकरी से हाथ धोना, एक नहीं इससे 100, इससे मोर देन 100। पूरी दुनिया घूम के आए मोदी, शायद नहीं समझता हूं कि जितने टोटल प्राइम मिनिस्टर को मिला दीजिए उनका विदेश दौरा और मोदी जी का 4 साल का 4.5 साल का दौरा जो है इनको ऑस्कर मिल जाएगा, उसमें कितना भूमिका। ये झूठ जो है 4.5 साल वसुंधरा जी का तो 5 साल हो गया, मोदी जी का 4.5 साल, ये झूठ और झूठ और झूठ। कांग्रेस पार्टी को अगर आज सही में मशक्कत करना पड़ रहा है तो झूठ से मुकाबला करना पड़ेगा, भाजपा से मुकाबला नहीं है, भाजपा के झूठ से मुकाबला। ये एक राजनीति का नया पहलू हम लोगों को भाजपा के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में और वसुंधरा जी के राज में देखने को मिला। जी हां, सहाय ने प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी को मदारी करार दिया और उनके सभी मंत्रियों को जमूरा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए सरकार ने पानी, सड़क जैसे जरूरी मुद्दों तक को नजरअंदाज किया है। सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है और सिर्फ घोषणाएं और पोस्टरबाजी कर रही है।
राजनीति में विकास, बेरोजगारी और किसानों के हालात और स्कीम पर बातें होती थी, लेकिन मोदी और वसुंधरा राज में इनको छला जा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि अब तक के प्रधानमंत्रियों के विदेशी दौरे एक तरफ और मोदी के दौरे एक तरफ, इसके लिए उन्हें ऑस्कर जैसा अवार्ड मिलना चाहिए। जी हां, कांग्रेस नेता सहाय ने अपनी पूरी प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।